स्पेसिफाई फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर, जब हम स्पेसिफाई फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं तो दैट्स मीन के जो DSM-5 है उसने हमें कुछ स्पेसिफायर्स दिए हुए हैं जिनको हमने जहन में रखना है वेन एवर वी डू द डायग्नोसिस ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफाई का क्या मतलब होता है कि उसका जो डिसऑर्डर है उसकी इंटेंसिटी लेवल कितनी है, उसका एज ऑफ ऑनसेट कितना है, उसके साथ कोई और ऐसे फीचर्स हैं जो हमको जहन में रखने हैं या हमें देखना है कि वेदर दीज फीचर्स आर ऑल्सो एग्जिबिटिंग इन द चाइल्ड बिहेवियर और नॉट। तो वो जो स्पेसिफाई हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के वो 3 हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5, जिसके अंदर जो पहला स्पेसिफाई है वो हमने करना है कि स्पेसिफाई वेदर के जो चाइल्ड का चाइल्डहुड ऑनसेट है, एडोलसेंस ऑनसेट है या अनस्पेसिफाइड ऑनसेट है। तो जब हम चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप की बात कर रहे हैं तो दैट्स मीन के जो कंडक्ट डिसऑर्डर है उसका जो ऑनसेट है वो प्रायर टू एज 10 ईयर्स है, यानी 10 साल से पहले जो बच्चा है वो इस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। इसी तरह जो एडोलसेंट ऑनसेट टाइप है इसका मतलब है कि आफ्टर 10 ईयर जो है वो बच्चे का बिहेवियर एग्जिबिट हुआ है। अब ये जो अनस्पेसिफाइड ऑनसेट है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकें कि ऑनसेट जो है वो चाइल्डहुड में हुआ या एडोलेसेंस में हुआ। ठीक है, तो आपने जिस वक्त किसी बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर देना है तो उसमें ये स्पेसिफाई करना है कि जो ऑनसेट है वो चाइल्डहुड टाइप है या एडोलेसेंट टाइप है या अनस्पेसिफाइड टाइप है। देन स्पेसिफाई इफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अगर आप वो इमोशंस जो कि किसी शख्स के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करते हैं अगर वो एब्सेंट हैं बच्चे के अंदर तो एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट वी ऑल्सो नीड टू बी वर्क ऑन दैट। तो इसलिए इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसके जो इमोशंस हैं वो कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्या उसके जो प्रो सोशल इमोशंस हैं यानी फ्रेंडली टूवर्ड्स द सोशल एनवायरनमेंट वो है या नहीं है और क्या लिमिटेड तो नहीं है। तो वी नीड टू बी आइडेंटिफाई दिस थिंग, क्योंकि आमतौर पर जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है जिन बच्चों को उनके अंदर प्रो सोशल इमोशंस जो हैं वो लेस होते हैं। देन लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट, ऐसे बच्चों जब कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं या कोई भी ऐसा बिहेवियर मैनिफेस्ट करते हैं जो कि हार्म करता है दूसरों को तो दे नेवर फील गिल्टी एंड दे नेवर शो रिमोर्स। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो बच्चे हैं उनको लगता है कि व्हाट एवर दे डन इट जस्टिफाइबली। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि वी नीड टू बी आइडेंटिफाई कि क्या उनके अंदर रिमोर्स और गिल्ट का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। देन दे आर वेरी कैलस और उनके अंदर बेसिकली एम्पथी जो है वो डेफिसिट हो रही होती है, फीलिंग ऑफ एम्पथी जो है। अब फीलिंग ऑफ एम्पथी क्या होती है कि दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द अदर्स इमोशन, वो ये उनको ये आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि जो वो बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं या जितनी इंटेंसिटी से वो दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं हाउ दैट पर्सन फील। तो ये चीज़ जो है इसको भी आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि उनके अंदर लैक ऑफ एम्पथी एग्जिस्ट करी है या नहीं करी। देन अनकंसर्न्ड अबाउट परफॉर्मेंस, दे नेवर एवर ट्राई टू पुट देयर गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर, या उनको कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दे सिंपली सेड दैट आई डोंट केयर व्हाट एवर द अदर पीपल थिंक अबाउट मी। तो ये जो चीज़ है ये इनके अंदर मौजूद होती है, शैलो और डेफिसिट इफ़ेक्ट। ठीक है, और अगर ये कभी कोई इफ़ेक्ट शो भी करेंगे जिस तरह किसी की तरफ थोड़ी बहुत ये अगर हमदर्दी का इजहार करेंगे या ये शो करने की कोशिश करेंगे कि यस दे डू अंडरस्टैंड दैम, तो वो इतना शैलो होगा कि यू कैन फील दैट थिंग कि दे डज नॉट मीन वट एवर दे आर सेइंग टू दैट पर्सन। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने स्पेसिफिकली उसकी हिस्ट्री के अंदर जाके और उसकी जो प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी है या जो भी उसकी एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी है उसके अंदर आपने उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश करनी है। देन द सवेरिटी लेवल, माइल्ड मॉडरेट एंड सवेयर। माइल्ड लेवल का मतलब ये है कि जो भी बिहेवियर
वो बच्चा एग्जिबिट कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा हार्म दूसरों को नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर वो लाइक कर रहा है तो इसका बहुत ज़्यादा हार्म जो है वो दूसरे शख्स को नहीं होगा, या वो स्कूल से भाग रहा है तो इसका हार्म दूसरे शख्स को नहीं होगा। तो इस लेवल पर हम इसे कहेंगे कि ये जो है बच्चे का बिहेवियर ये माइल्ड लेवल पे है। देन मॉडरेट, अब जो मॉडरेट लेवल है इसका मतलब ये है कि जो हार्म है वो दूसरे शख्स को होगा बट नॉट एट द हाई इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल उसने थेफ्ट किया है किसी शॉप से, लेकिन एज सच उधर वो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो जो डिस्ट्रक्शन नहीं हुई इसका मतलब है कि नुकसान हुआ है लेकिन बहुत सवेयर लेवल का नहीं हुआ। अब सवेयर लेवल पे क्या होगा, सवेयर लेवल पे ये होगा कि जो बच्चा है वो मिसाल के तौर पर उसने चोरी भी की और साथ उसने वहाँ की चीज़ें भी तोड़ दी, ठीक है, या उसने किसी को फिजिकल हार्म पहुंचा दिया या उसने रेप अटेम्प्ट कर दी, ठीक है। तो इस किस्म की जो बिहेवियर होंगे उसके कंडक्ट के जो इशू होंगे उनके ऊपर हम जाके कहेंगे कि जो इंटेंसिटी है क्योंकि इसमें दूसरे लोगों को ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है तो ये सवेयर इन लेवल है।